तो मतलब जो 10 लोग भी करेंगे तो उनको गुनाह नहीं पड़ेगा, मुझे गुनाह पड़ेगा। तो मुझे वो जगह ही नहीं जाना, मुझे हिजाब को, फैशन को और इस चीज को आगे लेके नहीं जाना है। तो बुरा लगता है, लोग कहेंगे टकली हो क्या, बाल नहीं है क्या, ऐसी हो वैसी हो, ओल्ड फैशन। क्योंकि ये तो कपड़े है ना, आपको जो पहनना है, किसी को छोटे पहनना जब उसे नहीं रोका जा सकता, तो कोई अगर ढक के आ रहा है तो उसे क्यों रोका जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो एक ऐसी खातून की है जो अपनी हिजाब जर्नी हमको सुना रही हैं। देखते हैं वो अपनी हिजाब जर्नी में हमें क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबके जहां में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं के वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और आज व्लॉग नहीं है, आज छोटा सा वीडियो बना के आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि 2 साल हो गए हैं जब से मैंने अपना हेड कवर करना, हिजाब लेना स्टार्ट किया। और बहुत सारे आप सब लोगों के सवाल थे, बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो मैंने सोचा कि लेकिन जो मेरे जेन्युइन जो मेरी यूट्यूब फैमिली है जो जानना चाहती है कि आपने हिजाब कब से लेना शुरू किया। देखो हर एक इंसान का एक लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब वो सोचता है उसे वो करना है, और उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, तो वो रीजन आप सब जानना चाहते थे और वो रीजन मैं आप सबको आज बताने वाली हूँ। आज से बेटर डे नहीं हो सकता, आज है 1 फरवरी और आज है वर्ल्ड हिजाब डे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कब से डिसीजन लिया कि मुझे अब अपने सर पे दुपट्टा हिजाब रखना है और क्यों रखना है और ऐसा मेरा मन क्यों हुआ, तो मैं आपको बताती हूँ। चलिए स्टार्ट करते। पहले एक चीज कहना चाहूंगी कि प्लीज जज मत करिएगा, मुझे इस तरह से ज्यादा कैमरे से बात करना भी नहीं आता इतना लंबा, और बताना भी नहीं आता किस तरह से बताओ। कोई इंसान पूछता तो अलग बात होती है, और हर एक इंसान का अपना एक फेथ होता है, हर एक इंसान को पता है कि उसके रिलीजन में क्या कहा गया, उसे क्या करना है, कैसे करना है, तो किसी को जज नहीं करना, ठीक है। और कभी भी ये भी नहीं सोचना कि वो मैं हिजाब डालती हूँ या मैं ऐसी हूँ तो मैं अल्लाह की बहुत ही प्यारी हूँ, जो लोग नहीं डालते तो वो खराब है। आपको नहीं पता कि अल्लाह किससे खुश है, क्या पता जो खुद को पूरा कवर रखता हो वो कौन सी ऐसी गलती गुनाह कर देता हो, और जो इस तरह हो वो अल्लाह का ज्यादा प्यारा हो। तो आपका काम नहीं जज करना, आपका काम है अपने आप को अच्छा बनाना, आपका जमीर जब कहे कि आप अच्छे हो तो आप अच्छे हो, ठीक है। अच्छा, जो मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं मैं उनको बता दूं कि हिजाब क्या होता है। कोई भी चीज जिससे आप अपना सर कवर करते हो, अपना हेड कवर करते हो, उसको हिजाब कहते हैं। तो उसमें इसीलिए, और हमारे इस्लाम में ये कहा गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को कवर्ड रखो, ज्यादा एक्सपोज ना हो आपकी बॉडी जितना हो सके। देखिए कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, हम भी इतने परफेक्ट नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ अपनी बात बताने वाली हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ। बहुत बार मुझसे भी ऐसी चीजें गलतियां हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर एक इंसान सीखता है। तो मैंने कब से शुरू किया मैं आपको बताती हूँ। हिजाब डालना स्टार्ट किया था आज से 2 साल पहले जब कोविड आया था पहली बार। अच्छा, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं वो जानते हैं मैं हमेशा रमजान में अपने हेड को कवर करती थी, और रमजान भर करती थी हमेशा पूरा प्रॉपर। और जब जैसे चांद दिखता था, ईद आने लगती थी ना, तो मैं हमेशा हिजाब हटा के बिल्कुल बाल बाल खोल के मार्केट शॉपिंग पे जाती थी। उस वक्त एक बार दिल में ऐसा होता था कि पूरे रमजान भर क्यों किया है और फिर अब क्यों हटा रही हूँ, लेकिन होता ना तब तक आपको समझ में नहीं आती है। अच्छा, मैं एक चीज और बताऊं, मैं स्कूल टाइम पे कॉलेज टाइम पे भी अपना हेड कवर रखती थी, इससे और ज्यादा मेरा वजन था, तो मैं सर पे दुपट्टा ओढ़ती थी, बहुत ज्यादा फैट। तो उस वक्त क्या होता था, लोग मुझे ना, मेरे बराबर के लोग बहुत बार मार्केट में आंटी आंटी कहने लगे थे। आंटी कहना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उस वक्त इतनी समझ नहीं थी, अभी अब सब आंटी कहते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, जैसे भी है ठीक है, लेकिन उस वक्त थोड़ा दिल पे लग गया, फिर से हटा दिया। ये मैं जो मतलब मेरे जो टीनेजर्स वाले सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बता रही हूँ कि उस वक्त इतनी समझ नहीं रहती, उस वक्त लगता है अच्छा आंटी का अब तो मैं बाल खोल के जाऊंगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस वक्त करती थी फिर हटा देती थी, करती थी फिर हटा देती थी। फिर जब कोविड आया तब ऐसा ज्यादा मुझे मतलब डिप्रेशन नहीं कहेंगे, इतना ज्यादा डर मेरे अंदर बैठ गया कि बहुत से लोगों को हुआ होगा कि अब क्या होगा, अब तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, अब तो हम मर जाएंगे, कभी भी मर सकते हैं। ऐसे वीडियोस आते थे ना वहां से चाइना से, तो लोग मरते जा रहे हैं। तो तब जब आपको सब कुछ ऐसा लगता है कि आप मर जाओगे, अब आप नहीं बचोगे, तब आपको सिर्फ अल्लाह दिखाई देता है। तो उस टाइम पे 1-2 महीने का पीरियड ऐसा आया था कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, ना ही मैंने कोई इंस्टाग्राम के कोलैबोरेशन, वैसे तो वैसे भी नहीं आ रहे थे, लेकिन और भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ना तैयार होना ना कुछ करना, बस इबादत करते ना सर पे दुपट्टा रखना, ऐसे मैंने शुरू किया, अल्लाह से दुआ करी, कैसे कैसे वो फेज निकला, अल्हम्दुलिल्लाह घर पे किसी को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। तो जब चीजें नॉर्मल होने लगी तो फिर मैंने उस दिन से सोच लिया था कि जब मैं इतनी परेशानी में इस तरह से खुद को रख रही हूँ
अल्लाह से दुआ कर रही हूँ अपने आप को जिस तरीके से मैं रख के लाई हूँ, अल्लाह ने मुझे बचाया, सेव रखा, हर चीज करी उस वक्त। तो जब चीजें अच्छी हो जाएंगी तो तब क्यों मैं अपने आप को बदलूं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहती हूँ। तो और उस वक्त तो रमजान भी आ गए, कोविड आया, फिर रमजान चले, रमजान में वैसे भी सर कवर करते हैं। तो जब ईद आई फिर मैंने सोचा कि नहीं, अल्लाह को आप अपनी मुसीबत के वक्त में बहुत ज्यादा हर चीज अल्लाह से प्रॉमिस करते हो, और जब अच्छे दिन आते हैं फिर आप भूल जाते हो, तो अब मैं नहीं हटाऊंगी। तो बस एक छोटा सा स्टोरी है जो मैंने टेंशन के वक्त सोचा कि नहीं, अल्लाह को हम लोग क्या करते हैं, अपने बुरे वक्त में याद करते हैं फिर अच्छाई में भूल जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अभी जब ऐसा चल रहा है और जब मैंने अल्लाह से दुआ की है, सब कुछ ऐसा ही रहा है, तो अब हमेशा मैं अपना हेड को कवर रखूंगी। अच्छा, जब ये डिसीजन लिया तो डिसीजन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि करती रहती थी, लेकिन हाँ एक बार जरूर सोचना पड़ता है क्योंकि आपको फिर उस हिसाब से अपना सारा वार्डरोब चेंज करना पड़ता है। इससे मैं कोशिश करती हूँ कि बैग पीछे से थोड़ा लंबा रहे, आगे से थोड़ा फ्रंट कवर रहे, तभी हिजाब का मतलब है। कभी कभी नहीं भी हो पाता क्योंकि फोटोशूट करते हैं, कभी कभी ब्रांड के ऐसे कपड़े आते हैं और उनको सेल हो जाए, उन्होंने इतने पैसे दिए, उस चक्कर में कभी कभार ऐसे कपड़े थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हिजाब का जो मतलब है उसको पूरा करने की कोशिश करूँ, मैं ज्यादा ऐसे टाइट कपड़े या वेस्टर्न वाले के साथ हिजाब ना डालूं, आपने मुझे देखा भी होगा। तो ये फैसला लेना बस थोड़ा सा मुश्किल इसलिए मुश्किल नहीं था, ये था कि अगर शुरू किया है ना तो फिर ऐसे कंटिन्यू करूं, क्योंकि क्या होता है कि फिर मुझे उस तरह नहीं बनना था कि बहुत से लोग होते ना पहले हिजाब डालेंगे फिर घर में शादी आ गई या फंक्शन आ गया तो हिजाब खोल लिया। अच्छा, वो लोग ऐसा करते हैं, वो लोग भी गलत नहीं है, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं, शायद आगे भी कर पाए। लेकिन मेरा ये था कि जब मैं डालूं तो हमेशा डालूं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि मैं अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखती हूं, जब अच्छे कपड़े नहीं पहने होते तो अबाया पहन लेते हैं और जब अच्छे कपड़े पहने होते हैं तो अबाया हटा देते हैं। तो वो नहीं करो, अगर करो तो उसकी रिस्पेक्ट करो और प्रॉपर करो, वरना आगे करो जब आपका मन है तब स्टार्ट करना। तो बस यही था, मैंने अपने घर पे भी सबसे कह दिया। अच्छा, इससे ये वाला सवाल स्टार्ट होता है कि क्या घर वालों ने फोर्स किया? बिल्कुल नहीं किया। आप देखते हो रिजा को, सारा को, भाभी को, बाकी लोगों को, कोई भी अम्मी की तरफ से फोर्स नहीं था, भाई भाभी पापा की तरफ से किसी ने, मतलब कोई क्यों कहेगा, ये अपना फेथ होता है। तो अम्मी इस तरह बिल्कुल नहीं है कि नहीं तुम इस तरह रहो, मेरी मर्जी थी कि मुझे पहनना है, तो फिर अम्मी इसमें बोलती है। इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है कि अम्मी पहले से भी कहती थी कि बेटा एक दुपट्टा रखना चाहिए, एक दुपट्टा रखो अपने पास, क्योंकि बाहर निकलते हो ऐसे रहते, वो वैसे भी सेफ्टी रीजन से अच्छा होता है। ये मेरा अपना फैसला था, किसी ने भी नहीं कहा, और किसी के कहने से करना भी नहीं चाहिए, किसी के कहने से करोगे तो फिर अल्लाह कैसे खुश होगा, किसी के कहने से नहीं था, अपनी मर्जी थी। अब एक सवाल आता है कि क्या हिजाब लेने से कोई प्रॉब्लम आई फेस, मतलब कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कुछ ऐसा हुआ कि काम में कुछ दखल आया? तो नहीं, बिल्कुल भी दखल नहीं आया, बहुत ज्यादा आजादी है यहाँ पे, हम आसानी से डाल सकते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ मैं कोलैबोरेशन करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं आपको इस तरह से ही ड्रेसअप करना है। हाँ, शायद कभी कभी इंस्टाग्राम पे ऐसा होता है कि कुछ ब्रांड्स देखते हैं कि अच्छा सवा से कराते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होता है, तो वो करा तो लेते हैं, लेकिन जो फोटो मैं पोस्ट कर रही होती हूँ उसको रीपोस्ट नहीं करती क्योंकि उनका पेज खराब हो जाएगा। वहां पे वो लोग थोड़ा सा जो मॉडल टाइप फोटोज होती है, जो प्रॉपर ज्वेलरी दिख रही होती है, उनकी फोटो रीशेयर करते, मेरी नहीं कर रही। एक दो बार कभी कभी बुरा लगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं, हिजाब की वजह से नहीं होगा, शायद मेरी फोटो इतनी अप टू द मार्क नहीं होगी, क्योंकि मैं हिजाब को क्यों ब्लेम करूं, मेरे अंदर कोई कमी होगी, मेरी फोटोग्राफ अच्छी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने नहीं लगाई। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। मेरा कोई डिसीजन था जो मैं काम नहीं करना चाहती हूँ उसके बारे में आपको बताती हूँ। शायद एक दो बार कोई म्यूजिक वीडियो के लिए मेल आया है, या फिर कभी एक बार मिंत्रा सुपरस्टार जो होता है उसके लिए भी ऑडिशन के लिए कॉल आया था। तो मैं ऐसी चीजें नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे पता है कि मैं हिजाब पहनती हूँ। अच्छा, हिजाब में आपको, हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं है, जो लोग करते हैं, अभी भी मैं कह रही हूँ मैं जज नहीं करती, ये मेरा मानना है कि हिजाब ने आपको, मुझे कोई फैशन आइकन नहीं बनना था कि मैं हिजाबी फैशन इन्फ्लुएंसर बनूं, मतलब ये सिर्फ एक मेरा है, अल्लाह ने कहा है सर पे दुपट्टा रखो तो इस तरह रखो तो बस रखना है। इसके लिए मुझे इस वे में फेमस नहीं होना था कि मैं इस जगह जाके खुद को फेमस करके दिखाऊं। उसके लिए क्या हो सकता है वो लोग मुझे नहीं बोलते, लेकिन होता ना जब आपको ये कैसे फैशन शो में या उस तरह की चीज में जाते हो तो वो आज के जमाने की लड़की चाहते हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि आप हिजाब पहन के किस तरह फैशन कर सकते हो। अच्छा, हिजाब पहन के फैशन नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत बार अगर आपको टाइट या इस तरह के कपड़े पहनने पड़ गए, आपको जीन्स या मतलब ऊपर वाला टॉप पहनना पड़ गया, जैसे आजकल आप देखते हैं बहुत ज्यादा ये सब चीजें चल रही है, वो मेरे हिसाब से मुझे लगा अगर मैं करूंगी तो ऐसा नहीं हो कि मुझे देख के अगर बाकी लोगों ने भी करना शुरू कर दिया या एक ने भी कर दिया तो मतलब जो 10 लोग भी करेंगे तो उनको गुनाह नहीं पड़ेगा, मुझे गुनाह पड़ेगा। तो मुझे वो जगह ही नहीं जाना, मुझे हिजाब को, फैशन को और इस चीज को आगे लेके नहीं जाना। ये तो एक बेसिक सी चीज है, जैसे अम्मी लोग सर पे हमेशा दुपट्टा डालती रही, उस तरह से मैं भी करती हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ जो अपने अल्लाह की कही हुई बात को
फॉलो करने की कोशिश करती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। कभी ऐसे कमेंट से बुरा लगता है तो कभी कभी बुरा लगता है, लोग कहेंगे टकली हो क्या, बाल नहीं है क्या, ऐसी हो वैसी हो, ओल्ड फैशन हो, आप खुले बालों में अच्छी लगती हो, तो कभी कभी ऐसा लगता है। लेकिन कभी मैंने अपना डिसीजन चेंज करने की कोशिश नहीं करी, और ना ही कोई, मैंने बहुत से लोगों को देखा पहले हिजाब करेंगे फिर थोड़े फेमस हो जाएंगे, उसके बाद जब कोई अच्छा सा कोलैबोरेशन आएगा, फोटोशूट आएगा, तो बाल खोल लेंगे। तो मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे बहुत बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आई लेकिन मैंने सोचा नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, कोई चीज काम आता है नहीं आता कोई बात नहीं, कहीं आगे नहीं जाना है, ऐसे ही रहना है, अल्लाह को देना होगा तो वो जरूर देगा और वो देता भी है। तो जो आपका दिल कर रहा है करो, अपने हिसाब से आपकी नियत, आपकी जमीर जो आपको कहती है वो करो। तो बस ये थी फ्रेंड्स मेरी स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और बस इतना ही कहूंगी कि हर चीज जो भी करो आप अल्लाह के लिए करो, लोगों को दिखा के मत करो, क्योंकि दिखा के करोगे तो थोड़े दिन बाद छोड़ दोगे, और छोड़ो मत, जो कर रहे हो उस पे कायम रहो। मैं आपको बस इतना बताना चाहती थी कि इंडिया में रह के अभी तक मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है। बहुत जगह मैं न्यूज में सुनती हूँ कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, बस यही दुआ है कि ये सब चीजें ना हो, क्योंकि ये तो कपड़े है ना, आपको जो पहनना है, किसी को छोटे पहनना जब उसे नहीं रोका जा सकता, तो कोई अगर ढक के आ रहा है तो उसे क्यों रोका जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसकी बॉडी, उसे जो पहनना है वो पहन सकता है। तो बस यही उम्मीद है कि अगर इस तरह कहीं पे हो रहा है तो वो बहुत गलत है और वो नहीं होना चाहिए, हर एक की अपनी चॉइस है। आज मैं व्लॉग नहीं बना रही, आज मैं सबको ये बता रही थी कि मैंने हिजाब डालना क्यों शुरू किया, कब से शुरू किया। तो आपको अच्छा लगता है मैं हिजाब डालती हूँ? मुझे मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी दिल से खुशी होती है, और मैं हमेशा बोलती भी गई थी, तुम जब डालती नहीं थी तो मैं बोलती गई थी बेटा दुपट्टा लेके जा, लेकिन अल्लाह ने ऐसी हिदायत दी कि मेरी बच्ची डालने लगी, मुझे बहुत खुशी। और मैंने सबको बताया कि किसी ने जबरदस्ती नहीं की, किसी ने बताने का हर एक को छूट है, जिसको जिस तरह रहना है रहे। हम भी जा रही पापा को खाना लेके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम सबको दुआओं में याद रखिएगा कि हम सब हर जिस तरह के इंसान है उससे अच्छे इंसान बन सके पहले, क्योंकि हम अच्छे इंसान रहेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, कपड़ों में जज नहीं करना है, और जो इंसान हिजाब नहीं डालता है उससे भी जज नहीं करना है, सब इंसान है, सब सीख जाएंगे वक्त आने पे। अल्लाह हाफिज, लव यू। माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टोरी थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पाकिस्तान से है लेकिन ये तो इंडिया से ही है। दोस्तों इसी तरीके की स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि हम इसी तरीके की रिवर्ड स्टोरीज लाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।